तो उसमें मुस्लिम सोशल फोरम महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये दो फोरम्स ने इनवाइट किया और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया। उसमें फिर ये जालना, परभनी, नांदेड़, अकोला, जलगांव, भिवंडी, बॉम्बे, ऐसा डिफरेंट हमारे लोग आए थे। हमारे सिलेक्टिव लोग थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे लेकिन सोशो पॉलिटिकल थे। जिसमें उन लोगों को लेकर हमने इस एजेंडा पर डिस्कस किया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर समाज का अपनी दायित्व है और कम्युनिटी के पास कलेक्टिव कंसेंसस नहीं बन रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से कलेक्टिव कंसेंसस बनाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। उस घर से हमने डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ की थी। गेस्ट में हमारे पास दो लोग हैं, वो स्टेट के बाहर से भी आए थे। उसमें हमारे मौलाना साद साहब हैं, जैसा बताया गया है कि मौलाना साद साहब ये यूपी से हैं और ये उस फैमिली से हैं जो बहुत नॉन फैमिली है मदनीज़ की। आपने जो मेरे जो सीनियर थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो उनके नाना थे, तो उस फैमिली से हैं और एक स्टेटस रखते हैं। दूसरा ये है कि तौफीक रजा साहब हैं, मौलाना तौफीक रजा साहब पूरे मुल्क के लिए जाने पहचाने आदमी हैं और वो जितने रिलीजियस है उतने जो है पॉलिटिकल भी हैं। तो हमने चाहा था कि ये चीज़ें भी हमारे डिस्कशन में आए कि ये लोग क्या सोचते हैं और क्या सुझाते हैं। और यहाँ पर लोकल में तो फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों में से अच्छे लोग थे। उसमें आपके मौलाना महफूज उमरैन साहब फैसला के फैसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब पूना के एक बहुत मारूफ आलिम हैं, फिर उसके बाद ये मुफ्ती अशफाक साहब हैं अकोला से, और इधर से जलगांव से करीम सालार साहब हैं। ऐसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अच्छे सिलेक्टेड लोगों ने पार्टिसिपेट। तो अभी क्या टॉपिक पर डिस्कस हुआ मीटिंग में? ये जो लिखा है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुसलमानों का सियासी लाहेमल क्या हो, इसको इनिशिएट किया, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी कोई चीज़ ऐसी फाइनली कंक्लूड नहीं किया। एक सौदा तैयार हो रहा है, मीटिंग तय होने वाली है, एक कमेटी बनने वाली है। कमेटी जो है लोगों को कोऑर्डिनेट करेगी जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो वो जो प्रोग्राम देंगे उस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। इसका मतलब दबाव का निर्माण हो रहा है दबाव पॉलिटिकल पार्टी दबाव निर्माण करना तो बुनियादी जरूरत है। वो नहीं हो तो लोग तो माँ भी नहीं पिलाती ना दूध बच्चे को, जल्दी सुनती है तो पिलाती है इन जल्दी। तो उन्हें उम्मीदें कौन सी पार्टी से लगाए हैं आपने? देखिए उम्मीदें क्या सवाल है, यानी जो है यहाँ पर जो इन जनरल तो दो महास, एक महास को हमारा वोट नहीं चाहिए, एक महास को चाहिए, जिसको चाहिए उससे बात करें। वो महास को आप बात करने को तैयार है? अगर आप माहौल में दबाव बना सके तब तो लोग आएंगे सर। आप जो महाविकास अघाड़ी की बात कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी की सरकार में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के खिलाफ फैसले लिए गए, जैसे शहर का नाम बदली किया गया और सारे फैसले ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लिया गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि उस पार्टी के साथ? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो वो ताकत की जबान सुनती है। आपकी ताकत है तो आप अपनी बात बनवा सकेंगे, आपकी ताकत नहीं है तो आप मेमोरेंडम देते हो। ये है कि साहब अगर अपने वोट को आप कंसोलिडेट कर सके तब तो आप अपनी बात मनवा सके। ठीक, और हमारा काम है तो प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिले को भी एडजस्ट किया और वेट किया, और इसके लिए वाकई आपके शुक्रगुजार हैं कि मीडिया को वेट कराना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने गवारा किया, इसके लिए दोबारा शुक्रिया और हमारी तरफ से एक्सक्यूज। देखिए ये बैनर बहुत क्लियर है और ये है कि सब भारत में जो उसका हुस्न है वो उसकी डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी ये है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के लोग इस देश में रहते हैं। अब इसमें जो सिचुएशन है सभी की ड्यूटी है। ये नहीं हो सकता है कि एक धर्म के लोग दूसरे लोगों को कंडेम करें और उनको जो है यानी अब्यूज़ करें, ये किसी भी धर्म की जो है शिक्षा नहीं हो सकती। हम तो इसी के कन्विंस, इसी पर कन्विंस रहे, हमारा इस पर विश्वास है धार्मिक तौर पर कि किसी और धर्म को आप ऐसा है उसको कंडेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग करते हों और उसके बाद में वक्त के चीफ मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहे हों, तो ये जो है ये अपॉर्चुनिज्म है मौजूदा पॉलिटिक्स का कि कोई सीएम इस तरीके से करे। तो
लेकिन अगर सीएम ऐसा करता है तो हमारा नेचुरल एक्सपेक्टेशन ये है कि अपोजिशन भी कोई चीज़ है, तो अपोजिशन क्या करता है? जब वो वोट लेते हैं तो उनको जस्ट यानी इंसाफ पर न्याय पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो जो भी इंसाफ के तकाजे हैं पॉलिटिकल जस्टिस के, वो क्या हो सकते हैं, उसको वर्कआउट करिए। और वर्कआउट करके हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी एक इनिशिएटिव हो, इसमें हम कम्युनिटी के उन लोगों को एंगेज करें जो इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, और उनको लेकर उन पार्टीज से बात करें कि सब हमारे ये तकाजे हैं, नेशनल कंसर्न में ये है, स्टेट कंसर्न में ये है, और ये चीज़ों को आपको टेकअप करना चाहिए। जैसा हमने पार्लियामेंट में मोबिलाइज किया, अगर आप ये चाहते हैं कि वैसे एक्टिव मोबिलाइजेशन हो, तो आपको ये भी सुनना होगा कि अब जब पार्लियामेंट का एजेंडा नहीं है बल्कि स्टेट के कंसर्न से, तो स्टेट के कंसर्न जो हैं तो इसमें फिर कम्युनिटी आपको ओवरवेलमिंग और इंथुजियास्ट वोट क्यों दे? और अगर हम कम्युनिटी को समझाने जाते हैं तो कम्युनिटी पूछे कि भी आपने कम्युनिटी के लिए क्या एश्योरेंस लिया। अगर हम वो एश्योरेंस नहीं लेते हैं तो कम्युनिटी यूथ का ये सेंटिमेंट होता है कि वो कहते हैं कि सर जब हमारे वोट की इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर हम वोट क्यों दें? तो इससे कम्युनिटी का वोट परसेंटेज डाउन हो सकता है। या फिर अगर वो कहें कि वेस्ट ही होना है तो किसी और को देके वेस्ट करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, हम समझते हैं कि नहीं, कम्युनिटी के हित में है ना, ये हमारे जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनके हित में। तो हमने ये प्रोसेस को यहाँ शहर से इनिशिएट किया है और चाहते ये हैं कि ये काम। अब रहते हैं तो बातें डिफरेंट आती है, लोग स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई कल तक इन्होंने नहीं दिया तो कल क्या देंगे, नहीं देंगे तो उनको वोट क्यों देना चाहिए, और फिर हम तो क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं, और हमारे बुनियाद पर ही हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और कोई ये तीसरा क्यों नहीं हो सकता है, ये शायद तीसरा फ्रंट क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट तो आएंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम इसी फ्रेम को लेकर चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिटी का रोल क्या हो और वो विजिबल हो और ये पार्टी उसको कंसिडर करे। इस गर्ज से ये मीटिंग की थी। अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है कि जैसे जैसे ग्रो करेगा वो तो अपना शेप लेगा। आज आपकी जो मीटिंग पहली बार पार्टी होगी, कोई ताई आवाज़ नहीं उठाई, इसके ऊपर आप क्या बोलिए? मैंने आपको दरमियान में गुफ्तगू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई संत जैसा आदमी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे दूसरे धर्म के लिए तो कैसे संत हो सकता है। मैंने ये मिसाल देते ये कहा कि उसको सीएम शेल्टर कर, तो हम ये कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, उसको इंसाफ की बात कहनी चाहिए, मुसलमानों की बात नहीं कहना चाहिए। तो ये बात तो हमने कहा, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा जी स्टैंड, ठीक है। आप लोग आप वोट, ठीक है, आप एक जगह वोट एक जगह लाना चाह रहे हैं जी, ये वोट का सही इस्तेमाल है। महाविकास आघाड़ी के बारे में अगर देखा जाए तो अभी जो विधान परिषद के लिए जो मेम्बरान भरे गए उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, ठीक है, ये सच्चाई है। दूसरी तरफ महायुति आघाड़ी देखेंगे तो महायुति ने 900 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक आयोग को दिया, ठीक है, ये भी तो पॉजिटिव बात है, ठीक है ना। तो फिर आपका जो किस तरह आप लोग इनको डिफाइन करेंगे और इनके साथ करेंगे, क्योंकि एक आपका वोट ले रहे आपको देने को तैयार नहीं, और दूसरा आपको दे रहे लेकिन आपसे आपके खिलाफ बात कर रहे, तो ये दो चीज़ें आ रही हैं, ये दोनों चीज़ें आप बताइए। मैं तो आपके में अपने सवाल में अपना जवाब ये दिया कि आज की पोजीशन बहुत यानी 100% कैलकुलेटेड नहीं है। कल और क्या होने वाला है इस पर इंतज़ार करना चाहिए कि महाविकास कितना महाविकास रहता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो हम पहले से क्यों उनको पूरा महाविकास मान के चले, और तो उसमें ये है कि सब आप ये सिचुएशन को इमर्ज होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन रही इसकी बात कि जो पावर में है वही तो डिक्लेयर करेगा क्या देना है, जो पावर में नहीं है वो क्या डिक्लेयर करेगा। अब जो उसके पास है उस पर हम उनसे बात तो करेंगे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि साहब मुसलमान अगर आपको वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, तो जो बात आपने कही ये कहेंगे कि अगर वो जीत नहीं सकता तो मुसलमान तो बहुत क्लियर है, वो तो आपको वोट ही देता आया है, वोट मांगने कहाँ आया। जब वोट ही देता है तो हमने कहा मिसाल दे के राहुल गांधी हो कि राहुल पाटिल तो वोट ही दे रहे हैं। जैसे अभी जैसे महाविकास आघाड़ी की तरफ से किस नतीजे पर पहुँचे और क्या आपका डिसीजन लिया फाइनल? अभी इसलिए नहीं पहुँचे, अभी ये तो कह सकते हैं जैसे मैंने कहा कि ये कंसेंसस पर तो है कि डिफरेंट हमारे ग्रुप्स काम करें। जैसा हमारे मुजीब साहब ने तारुफ करवाया MDF का, MDF ने बहुत ही एक्सटेंसिवली काम किया है जिसमें तमाम पार्टीज मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब ने मिलकर
पार्लियामेंट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। अब वह इस पर काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। इसी तरीके से जमतुलमा है वो अपना काम कर रही है, इसी तरीके से सज्जाद नमानी साहब है वो अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ पहली और आखिरी है, बल्कि कम्युनिटी में ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ हमारी राय ये बनी कि हम एक शॉर्ट कमेटी वर्कआउट करेंगे, ये कमेटी जो है उन सबको से रब्ता करेगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा कॉमन प्रोग्राम बने जिसमें हम अपने वोट का इंतजार ना होने दें, जिसमें हम हमारे वोट का परसेंटेज डाउन ना होने दें, और हमारी कोशिश ये हो कि जिनको हम वोट डाल रहे हैं वो भी जो है हेल्दी पॉलिटिक्स का अप्रोच अख्तियार करें। मुश्तब साहब मुझे ये बताइए, अभी आपने बताया कि आपका कॉमन कल्चर प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, तो अभी किसके साथ डिस्कस करने होंगे? आप सो कॉल्ड पार्टी के साथ करेंगे या जो अभी मौजूद है, जो सीएम, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी गैर चीज़ों को, आप उनके साथ बात करेंगे? वो सीधा है ना सर, देखिए पहली बात तो हमने की कि हम खुद पार्टी नहीं, और जो लोग जमा हो रहे हैं ये सोशल है, कम्युनिटी के लोग हैं, पॉलिटिकल नहीं। ओके, जब ये जमा हो रहे हैं और उन लोगों को एंगेज कर रहे हैं कि वो बहुत कम लोग हैं लेकिन उनका समाज पर इन्फ्लुएंस है। जैसे मैंने मोटी मिसाल दी आपसे कि जमतुलमा है, जमात इस्लामी है, जमीयत अहले हदीस है, या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये चंद नाम होना, तो इस नामों से कम्युनिटी को ये मैसेज जाता है कि कम्युनिटी यूनाइटेड। तो हम पहले तो उनको एक्सेस करेंगे ताकि जिनकी बात का इन्फ्लुएंस है उनसे बात करवाई जाए, पहली बात ये। ज़ाहिर है बात उनसे करेंगे जो हमारी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब उनसे कीजिए सीएम साहब से, तो जो लोग बहुत क्लियर स्टैंड रखते हैं कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते बल्कि हमारा काम ही करना चाहते हैं, तो उनसे कैसे बात हो? जो लगते हैं कि हम तो वोट देते हैं, हम कोई से ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम पार्टी बन गई और मुस्लिम पार्टी को लेकर खड़े हो गए, हम तो वोट देते हैं, तो जो भी उसको लीड करता है इन जनरल वो नॉन मुस्लिम होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का होता है, तो हम तो वोट ही दे रहे हैं। जब हम जो है, यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, नाम कॉमन ही इसलिए कह रहा हूँ, कैसे मैं पर्सनली बात कर रहा था, वहाँ पे राहुल पाटिल थे जो शिवसेना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि क्या आप शिवसेना को वोट देंगे? मैंने कहा देखिए हम तो वोट देने वाले हैं, आज है राहुल गांधी को दे रहे, कल राहुल पाटिल को दे रहे, हमारे दोनों राहुल हैं। अब राहुल पाटिल को सोचना है कि हमारा वोट लेना है तो क्या, इसलिए आप कम से कम ऐसी एनिमिटी अख्तियार मत करो कि जिससे कि आप हमारा वोट ही नहीं चाहते। आपकी पॉलिसी अगर ये क्लियर है हमको मुस्लिम नहीं होना, तो मुस्लिम वहाँ जाकर क्या करेगा? जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोट चाहती है तो उनमें से कौन सी पार्टी है जिसका आपकी कमेटी या कमेटी वर्कआउट करेगा? उनको मैंने ये कहा ना कि आप ये पार्टियाँ तो वाजह है ना कि आपके पास जो है जो सेक्युलर पार्टी से नामने की बोलिए ना, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वंचित महागाड़ी है, उससे बात होगी। हम तो ये जब बात करेंगे महाविकास से, तो MIM की जब आप बात करते हैं तो सीधी सी बात यह है कि हम तो ये चाहेंगे कि MIM इस बात पर मजबूर ना हो कि इंतजार पैदा करें, तो उसको कंसिडर करना चाहिए महाविकास, और हम ये चाहेंगे कि साहब MIM के हवाले से हम महाविकास को इस माने में कमज़ोर कर दें कि कम्युनिटी कमज़ोर हो जाए, तो ये तो नहीं होगा ना। अच्छा, अभी जो हाल ही में महाराष्ट्र में दो मुद्दे बड़े अमल में आए, जी